उससे जितना भी तुम्हारा सौदा हुआ है उसका दुगना मैं तुम्हें दूंगी। मैडम वो पार्टी मुझे 5 लाख रुपए दे रही है। ठीक है मुझसे 10 लाख ले लेना। ठीक है मैडम तो बताइए कहाँ मिलना है। ये बोर्ड बॉय अब तक आया क्यों नहीं? I just hope जल्दी आ जाए। हेलो अरे भाई कोई है? अरे मैडम मैं हॉस्पिटल का वार्ड बॉय जिसे आपने फोन करके बुलाया था। हेलो अरे अरे मैडम आपने तो डरा ही दिया। फोन कहाँ? पैसे कहाँ हैं? पहले फोन दिखाओ। देख लो हो गई तसल्ली अब मेरे पैसे। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा सौदा 5 लाख में हुआ है पर जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारा सौदा 2 लाख में हुआ है। पैसे देना हो तो दो वरना मैं चला। तुम चलने लायक रहोगे तब तो यहाँ से चल के जाओगे ना। मिली नहीं कुछ किया है। आप इंतजार करते रहिए वो वापस नहीं आएगी। उसने हम सबको मारने की कोशिश की इतनी भी बेवकूफ नहीं है वो। अगर वो नहीं आएगी तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। नहीं आपसे मेरा दिल कहता है कैसा कुछ नहीं होगा। उसने जो भी कहा है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। अगर भाग नहीं जाएगी तो आई क्यों नहीं अभी तक? अगर इतनी सच्ची है तो आखिर करें अपनी बेगुनाही साबित। हेलो हेलो ऑफिसर मैं कायरा बोल रही हूँ। कायरा तुम्हारी मोहलत खत्म हो गई क्या? तुमने वो सबूत हासिल कर लिया? अब हाँ मेरे पास सबूत है। तुम्हें सबूत मिल गए? पर उसके लिए आपको आपको मुझसे मिलना होगा। कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में खड़ी हूँ। एक्चुअली मैं वहाँ नहीं आ सकती क्योंकि जो गुनहगार है ना वो मेरे परिवार के बीच है। आपको पता है ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? हाँ अगर तुम्हारे पास वो रिकॉर्डिंग है और उसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि तुम बेगुनाह हो तो चिंता मत करो तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। तुम वहीं मेरा इंतजार करो पार्किंग लॉट में मैं आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। कायरा जी कायरा जी आप कैसे विश्वास कर सकते हैं उस पर? अगर सबूत होता तो ऊपर ले आती ना वो। नीचे क्यों बुलाया उसने इंस्पेक्टर को? मेरा फोन दे दे। इसको बना दिए सबको बस। हेलो 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 विहान तुम माओ को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में आ जाओ। मैंने मिली को फंसाने के लिए एक प्लान बनाया है। मैंने ऑफिसर से कहा है कि मेरे पास कोई सबूत है। हाँ, और कि मिली को ये बात पता चल गई होगी वो अब ऑफिसर को मुझ तक पहुंचने से रोकेगी। तुम माओ को लेकर आ जाओ प्लीज। ओके विहान व्हाट हैपेंड तुम माओ को नीचे क्यों नहीं लेकर आए? मिली तुम मिली को क्यों फोन कर? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ भैया। कायरा क्या हुआ बेटा दे दिया सबूत पुलिस को? दादी माँ वो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैंने झूठ बोला मुझे लगा कि वो कायरा जी आपका शक सही निकला। सबूत की बात सुनकर मिली ने उस लड़की पर हमला करने की कोशिश की और वो पकड़ी गई। दादी माँ मैंने और ऑफिसर ने मिलके मिली के खिलाफ ये प्लान किया था। मेरे पास कोई सबूत नहीं।
जिस वार्ड बॉय ने आपका मोबाइल फोन चुराया था उसने सुसाइड कर लिया है क्या? और उसने अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि उसकी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं। उससे हमने आपका मोबाइल फोन बरामद किया है और उसने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि उसने आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और बस इसी गिल्ट की वजह से उसने सुसाइड किया है। वैसे आपका मोबाइल फोन हमने फॉरेंसिक लैब में चेकिंग करने के लिए भेजा है लेकिन हमको शक है कि उसमें कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। आप लोगों ने मिली को क्यों छोड़ दिया? आपने तो खुद देखा था ना कि उसने उस लेडी पर अटैक किया था। माँ, मेरे अंदर कायरा के लिए बहुत गुस्सा भरा पड़ा हुआ था इसीलिए मैं उसे धमकाने गई थी कि आगे से ऐसा ना करे। लेकिन मुझे क्या पता कि ये सब इसी की प्लानिंग है मुझे फंसाने के लिए।